रेडी स्टार्ट। इतिहास साक्षी है कि भारत सदैव इस प्रयत्न में लग रहा है कि विश्व में शांति रहे तथा एक दूसरे राज्यों में मैत्री रहे। स्टॉप। पूर्व काल में भारत से शांति के अनेक दूत विदेश गए, कोमा अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और सफलता पाई। स्टॉप। वर्तमान काल में भी हमारी वैदेशिक नीति सहयोग कोमा शांति और तटस्थता की है और हम प्रयत्नशील हैं कि पूर्व और पश्चिम की खाई पटे, कोमा वे एक दूसरे के निकट आए, कोमा पंडित नेहरू की रूस यात्रा इसी नीति पर आधारित थी। स्टॉप। पेरा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रूस यात्रा के लिए जाते समय पत्रकारों से कहा था, मैं अपने देशवासियों की शुभकामनाएं तथा शांति के संदेश लेकर जा रहा हूं। यही कारण था कि श्री नेहरू जी यहां भी गए, लोगों ने उनका सम्मान किया तथा हृदय से स्वागत भी। स्टॉप। लाखों की संख्या में लोगों ने शांति दूत को करतल धावनी से उनके प्रयत्नों की सफलता का विश्वास दिलाया। स्टॉप। एक विजेता की भांति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे रूस का तूफानी दौरा किया। स्टॉप। लोहे का वह आवरण जो सारे विश्व के लिए विशेषतः पश्चिमी राष्ट्रों के लिए एक आतंक का कारण बना हुआ था, कोमा हट गया, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा, मुझे रूस में किसी भी प्रकार का कोई भी आवरण देखने में नहीं आया, आता भी कैसे, कोमा कौन सा विकास का केंद्र था जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए। स्टॉप। कौन सा स्थान उन्होंने देखा, क्वेश्चन मार्क, जो कि रही भावना जैसी, कोमा प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। स्टॉप। स्वच्छ हृदय था, सभी बातें स्पष्ट सामने आई। स्टॉप। इस मैत्रीपूर्ण वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू शीर्ष स्थल रूसी नेताओं से मिले, कोमा बातें की और अंत में अपनी बातों की विजय भी प्राप्त की। स्टॉप। पेरा। रूस के प्रधानमंत्री श्री बुगलानिन ने एक स्वागत समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शांति प्रयत्नों की सराहना करते हुए कहा था, हमारी सरकार भारत के सहयोग से चीन तथा अन्य देशों में तनाव कम करने को प्रयत्नशील है और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे। स्टॉप। अब एशिया युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि पिछले महायुद्ध में हमने सबसे अधिक क्षति उठाई है। स्टॉप। एशिया जागा है। स्टॉप। पंडित जवाहरलाल नेहरू सा नेता उसने पाया है। स्टॉप। निश्चय ही वह शांति स्थापित कर सकने में समर्थ होगा। स्टॉप। इस प्रयत्न का पहला कदम भारतीय दूत मेनन का अमेरिका और चीन के तनाव दूर करने का है। स्टॉप। पेरा। रूसी प्रधानमंत्री एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू का सम्मिलित वक्तव्य भी पश्चिम के प्रति सद्भावना का परिचायक है। स्टॉप। पंचशील का सिद्धांत रूस ने भी मान लिया तथा उसने एक कदम और आगे बढ़कर
पंचशील के सिद्धांतों को और भी बल प्रदान किया है, जिन मुख्य सिद्धांतों को भारत तथा रूस ने माना है वे इस प्रकार से बताए गए हैं। स्टॉप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में चाहे वे आर्थिक हो, कोमा राजनीतिक हो या सैद्धांतिक, कोई भी हस्तक्षेप न करेगा, कोमा आक्रमण न करेगा, कोमा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कोमा समानता एवं पारस्परिक लाभ, कोमा एक दूसरे की सार्वभौमिकता एवं सम्मान के प्रति श्रद्धा। स्टॉप पैरा। इतना ही नहीं, कोमा भारत के प्रयत्न से आयोजित एशियाई तथा अफ्रीकन देशों के वांडगू सम्मेलन के प्रयत्नों की भी सराहना रूसी प्रधानमंत्री ने की है। स्टॉप, दोनों प्रधानमंत्रियों ने चीन को राष्ट्र संघ में सम्मिलित न किया जाने पर खेद प्रकट किया है तथा आशा की है कि तनाव को कम करने के लिए चीन को राष्ट्र संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा। स्टॉप पैरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस महान यात्रा का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा है। स्टॉप, लोग गंभीरता से विचार करने लगे हैं कि यदि तनाव कम न किया गया तो एशिया स्वयं तटस्थल हो जाएगा और वह युद्ध में अपने को सम्मिलित न होने देगा। स्टॉप, इस यात्रा से भारत और रूस का संबंध दृढ़ हो गया है। स्टॉप, एशिया के सबल राष्ट्र शांति एवं सहयोग चाहते हैं। स्टॉप, उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने की चिंता है। स्टॉप, परमाणु शक्ति का उपयोग वे विध्वंसकारी नहीं बल्कि निर्माणात्मक कार्यों में करने के इच्छुक हैं। जहां कहीं भी तनाव है वह आपसी वार्ता से तय हो जाए, यही इसकी कामना है। स्टॉप पैरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस यात्रा में से सबसे बड़ी विजय रूस गुट के प्रभाव को समाप्त करने में रही। स्टॉप, भारत का साम्यवादी दल जो रूस के संकेत पर विध्वंसकारी कार्यों में रत था, अब इस समझौते के पश्चात भारत सरकार के राजनीतिक कोमा सैद्धांतिक या आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप न करेगा। स्टॉप, लोग आशा करने में लगे हैं कि रूसी गुट तोड़ दिया जाएगा, कोमा और प्रत्येक देश का साम्यवाद दल अपने स्वयं के विचार से कार्य करने को मुक्त कर दिया जाएगा। स्टॉप पैरा। रूस ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के विशेषज्ञों को पूरी पूरी सहायता देने का वचन दिया है, जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहायक होगी। स्टॉप, दोनों देशों में त्रासदी सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदान होता रहेगा। स्टॉप, जिससे संभव है हम भी रूस की भांति कृषि एवं औद्योगिक प्रगति कर सके। स्टॉप पैरा। जिनेवा में जो चार बड़े राष्ट्रों के प्रधानों का सम्मेलन हुआ, कोमा रूस की यात्रा का प्रभाव इस वार्ता पर भी पड़ा। स्टॉप, सच्ची सफलता नेहरू जी की यात्रा की तब होगी जब विश्व में पूर्व और पश्चिम के बीच का तनाव कम होगा। स्टॉप, ऐसे समय में जबकि
पश्चिमी एशिया भिन्न भिन्न नामों से अपने गुट तैयार कर रहा है। स्टॉप, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस यात्रा करके पश्चिम की आंखें खोल दी कि गुट नहीं सहयोग से भी हम विश्व में शांति स्थापित कर आंतरिक पुष्टि कर सकते हैं। पूर्ण विराम।